तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कैसे मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो लीड एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके इंटरव्यू कैसे लेते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। और जो मीडिया वाले को सेट पर यानी जितने भी सीरियल्स होते हैं उनके एक पीआर होते हैं, और वही पीआर मीडिया वाले को इन्वाइट करते हैं सेट पर आने के लिए। सेट पर आते हैं, वो आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेते हैं, वो सस्पेंस क्रिएट करते हैं, वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे लोग उस सीरियल्स को देखते हैं। तो अभी इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, माइक लगाने के लोगों की तैयारी हो चुकी है, लोग माइक लगा रहे हैं, जो एक्टर हैं उनका उनके ऊपर उनके सामने माइक रख दिया है, और ये क्वेश्चंस करेंगे, वो आंसर्स देंगे। ये इसी तरह से जो बैक स्टेज होता है ये सारी चीज़ें होती है, आप जो सीन देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन जो ये आप देखते हैं ऐसे यहाँ पर इंटरव्यू लोगों के होते रहते हैं। और ये रंग जाओ तेरे रंग में एक दंगल टीवी का एक शो आ रहा है, एक सीरियल आ रहा है, ये उनकी लीड एक्ट्रेस हैं और ये उन्हीं का इंटरव्यू अब ये लेने जा रहे हैं, इनसे क्वेश्चंस करेंगे और ये उसका जवाब देंगे। ऐसे ही हर सेट पर जितने भी आप देखते हैं बैक स्टेज यही सारी चीज़ें होती रहती है। तो ये सिटी स्टूडियो जो नायगांव मुंबई का है, ये वहाँ का ये सीन है, और बैक स्टेज में एक एक्ट्रेस है जो आर्टिस्ट है, उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप सुनिएगा ये क्या क्या बोलते हैं, फिर हम आपको आगे और सारी चीज़ें बताएंगे। क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये जो ट्विस्ट है वो आप सबको 440 का झटका गोल्ड की तरह से देने वाला है, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट ट्विस्ट। और इसका मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत आसान होता है कि लोगों को जज करना। आप यू नेवर नो, सृष्टि या तो घर से भाग गई होगी या तो उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। बहुत ईजी होता है कि कोई, मैं मानती हूँ कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशन बुरी होती है। फॉर दैट यू हैव टू वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखो आगे क्या होने वाला है। बट आई एम वेरी श्योर कि ये जो हमारा ट्विस्ट है सबके तो होश उड़ने वाले हैं। आप देखते रहिए। आपके इस कैरेक्टर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी या बहुत इजी रहा इस रोल को करने में? और रंग जाओ तेरे रंग में सुदेश बेरी हैं, आप करण राजपाल आपके साथ हैं, तो इन सबको एक्ट्रेस के साथ काम करके कैसा लग रहा है? मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दूंगी। मुझे एज सृष्टि निभाने में इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं वैसी हूँ, थोड़ी सी शांत हूँ, थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा स्टार्टिंग में। थोड़ा सा इनिशियली लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा आई हैव टू सेटल इट डाउन, लेकिन फिर डायरेक्टली होता गया वो स्टेप बाय स्टेप। और को एक्टर्स के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा है। ये मैं तो मानती हूँ कि हमारा जो रिलेशन है सबके साथ वो बहुत फ्रेंडली एंड होमली है। हम जहाँ पे जब काम करने आते तो ऐसा लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं, तो हम खुशी खुशी काम करते हैं, तो पता नहीं चलता कि हमारे अगर एक्स्ट्रा आवर्स भी हो जाते हैं तो कि अरे पंद्रह घंटे हो गए काम के, तो हमें ऐसे लगता ही नहीं है। हम एक दूसरे से सीखते, हंसाते, बहुत मस्ती करते हैं सेट पे। आज आप क्या सीन कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा अभी जो सीन है मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, बिकॉज फिर अगर मैं बताऊंगी तो फिर मजा नहीं आएगा आप लोगों को देखने में। तो मैं बस इतना कहूंगी कि आप देखते रहिए रंग जाओ तेरे रंग में 9:30 मंडे से लेके संडे तक, सैटरडे तक। मैं फर्स्ट डे से जो बीमार हूँ। अरे फर्स्ट डे से फर्स्ट डे से हालत खराब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ग्रुप मीडिया था यानी सबका एक साथ में बहुत सारे जो रूम्स थे, देखिए माइक जो थे वो एक साथ ले लिया गया। अब सिंगल की तैयारी करेंगे लोग अपने मोबाइल से माइक को अटैच करेंगे, और जो डिजिटल मीडिया है, जो डिजिटल लोग हैं, वो अपने कैमरे समेट रहे हैं, यहाँ से अब जाएंगे और 1-to-1 करके लेंगे, यानी एक का जो रिपोर्टर है, प्रेस रिपोर्टर है, वो इंटरव्यू वो लेंगे। तो ये ऐसे ही इनका ये मेकअप रूम है जहाँ पर इनके मेकअप्स होते हैं, एसी लगा रहता है यहाँ पर। यहाँ पर जो मेकअप दीदी बोलते हैं, मेकअप दादा बोलते हैं, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे प्रेस रिपोर्टर लोग अपनी सेल्फियाँ लेते हैं और वो अपने फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, फोटोज लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना पीछे चलती रहती है। तो ये स्टूडियो के अंदर ही होता है, यानी आप जो स्क्रीन पर देखते हैं तो वो खाली आप सीरियल्स देखते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो जो भी प्रेस रिपोर्टर होते हैं ना वो अपने फोटोज़ लेते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सारी जो सोशल मीडिया पे वो डालते हैं। तो ये जो लीड एक्ट्रेस हैं, सृष्टि इनका नाम है कैरेक्टर का, और जो सीरियल है रंग जाओ तेरे रंग में दंगल टीवी, और ये नाइना स्टूडियो यानी सिटी स्टूडियो का ये सीन है। तो ये सब बहुत सारे सीनियर्स रिपोर्टर्स हैं जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं और उनका अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं। कभी कभी गुस्से भी हो जाते हैं कि अब कितना इंटरव्यू लोगे, कितने वीडियोस बनाओगे, कभी कभी बड़े ये इरिटेट भी हो जाते हैं इनके क्वेश्चन आंसर से। तो ये ऐसी ही सारी इनकी लाइफ है जो हम आपको दिखा रहे हैं पीछे। ये देखिए अभी ये इन्होंने वन टू वन करना शुरू कर दिया, बस ले लिया इन्होंने, अब लगा दिया। तो ऐसे वन टू वन यहाँ पे सारी चीज़ें चलती रहती है इन सब सेट पर। तो यही लाइफ है जो बैकग्राउंड हम आपको दिखा रहे हैं, बैक स्टेज दिखा रहे हैं जी। तो ये इंटरव्यू करेंगे और ये बाइट्स लेंगे उनका, और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, अलग 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 रिपोर्टर्स आते हैं, इनके ऐसे इंटरव्यू लेते हैं यहाँ पर। और आर्टिस्ट को तो अच्छा लगता है कि मीडिया मुझे कवर करे, कभी कभी आर्टिस्ट बड़े गुस्से हो जाते हैं, वो बोलते हैं यार बस करो यार, कितना हमसे बुलवाओगे। तो देखिएगा इनकी कलाकारी और फिर हमें आगे हम आपसे और बातें करेंगे। नमस्ते, देखो ये तो सस्पेंस है और इसका जवाब मैं नहीं दूंगी आपको, इसका जवाब आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर मैं अभी बोलूंगी तो फिर मजा नहीं है, तो आप देखो आपको अच्छा लगेगा। नया चैनल है रंग जाओ तेरे रंग में, दर्शक काफ़ी उत्साह हैं आपके एक एक सीन को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हम सब ने बहुत मेहनत की है ये शो को लेके, और हम आप यकीन नहीं मानेंगे हम 15-16 घंटा काम कर रहे हैं। यस, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे हमारी स्टोरी, हम बहुत स्टोरी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने एक्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप देखिए आपको पसंद, मुझे पता है हमें बहुत रिव्यूज आ रहे हैं कि शो पसंद आ रहा है, तो आप देखते रहिए, आपको आगे इससे भी ज्यादा पसंद आने वाला है शो। जो आपके को एक्टर है जो आपके साथ में काम करने वाले, उनके साथ काम करके कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही अच्छा, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं काम पे आती हूँ, ऐसा लगता है कि खुशी होती है। जैसे हम सुबह सुबह निकलते कि अरे हम काम पे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं, तो ऐसा वाला ट्यूनिंग कब सबके साथ है। हम बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो यहाँ पे सेट पे माहौल बहुत अच्छा है सबका। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, लास्ट एक शादी में जोड़ी में आप काफी सुंदर दिख रही हैं, थैंक यू, दर्शकों क्या कहेंगे आप? आप देखते रहिए रंग जाओ तेरे रंग में, एंड वेट एंड वॉच, इससे भी ज्यादा आपको रंग दिखने वाले हैं। जस्ट कीप वॉचिंग, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जज मत करिए सृष्टि को या धानी को या ध्रुव को या किसी को भी, तो देखते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। एक ये नहीं बोला ना, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं सफर भारत के, कीप वॉचिंग एक सफर भारत। हां हां, चल, मैं सृष्टि चौबे और आप देख रहे हैं सफर भारत न्यूज़, कीप वॉचिंग। और सृष्टि जी एक छोटा सा सवाल, जब आपकी मम्मी इस गेटअप में देखेंगे तो उनके मन में क्या आएगा, आपकी रियल मम्मी बोलेंगे कि अब आप तैयार हो गए मैरिज के लिए? मेरी मम्मी बहुत इमोशनल है और मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ, तो मेरा हल्दी का भी जो सीक्वेंस था तो उसके आँख में आंसू यहाँ तक आ गए। अच्छा। कि तू बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा। तो वो बहुत खुश है मुझे ऐसे लुक में देख के। तो नहीं, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र है। तो ये गेटअप आपने पहली बार लिया हुआ है कि और भी पहली बार लिया था इस दुल्हन का? दुल्हन का मैंने लिया हुआ है। अच्छा, लेकिन अच्छा लग रहा है, जो भी मुझे लुक दिया हुआ है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ये गेटअप देखने के बाद शादी के रिश्ते आएंगे एक्चुअल लाइफ में? वो गेटअप पे नहीं है, जैसा सृष्टि मैंने प्ले किया हुआ है तो उस नेचर के लिए और उस कैरेक्टर के लिए। नहीं, मम्मी फोटो कहीं पे भी भेज सकती है आपका, अगर वो मैरिज के लिए कि मेरी लड़की बड़ी हो गई उसको अब शादी के लिए, क्योंकि हर माँ बाप की टेंशन होती है। हाँ हाँ, वो अभी मतलब आई थिंक गेटअप पे नहीं है, जो सृष्टि ने जैसे प्रेजेंट किया है तो उसके लिए तो डेफिनेटली रिश्ते आएंगे। अच्छा, तो अभी आपको कोई विचार नहीं है, अभी काम करना है? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो देख लिए, इसी की तरह के यहाँ पे शूटिंग्स चलते रहते हैं और इसी तरह के वीडियोस बनते रहते हैं और भी सीन्स यहाँ पर होते रहते हैं। मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया है और भी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने दिखा दिया आपको, और एक